नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द बॉयज वेब सीरीज के सेकंड सीजन के बारे में। टोटल इसके अंदर 8 एपिसोड हैं और ये आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, बट खुश नसीबी की बात ये है कि आपको ये हिंदी सबटाइटल में अवेलेबल है। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने इसके सीजन फर्स्ट के जो रिव्यू किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उसको पहले देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें फर्स्ट सीजन के स्पॉयलर हो सकते हैं, तो मुझे ब्लेम मत करना, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। जहां पर फर्स्ट सीजन एंड होता है, जहां पर विलियम विचर को पता चलता है कि उसकी वाइफ बेका जो है वो जिंदा है और उसके पास एक बच्चा है, और जो बच्चा है वो होमलैंडर का है, यानी कि जो फर्स्ट सीजन में होमलैंडर ने बेका का रेप किया था और जो बच्चा हो गया है, यहां पर वो दिखाया गया था लास्ट में। अब जो लास्ट में जो सीन दिखाया गया था, अब वो वहां से शुरू नहीं होती इसकी सेकंड सीजन। इसको आपको वेट करना पड़ेगा कि हां, अब विलियम विचर का क्या हुआ, उसके बाद क्या होमलैंडर ने मार दिया। ऐसा तो नहीं है ना, आपने ऑब्वियसली इसका ट्रेलर देखा तो उसमें विलियम विचर तो मरा तो नहीं, तो एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि होमलैंडर ने उसे छोड़ दिया होता है, तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। द बॉयज सीरीज के सेकंड सीजन को इन्होंने एक साथ रिलीज नहीं किया था, इसके स्टार्टिंग में 3 एपिसोड रिलीज किए थे, फिर एक एक करके इसके बाकी के जो 5 एपिसोड बच गए थे उनको धीरे धीरे रिलीज किया था, जिससे इसको देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब देखो यार, मैं आप लोगों को इस सीजन का थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड अगर मैंने कुछ भी उनके बारे में बताने की कोशिश की तो एक तरीके से स्पॉइलर मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यार एक अच्छी खासी वेब सीरीज का आपको स्पॉइलर मिले और आपको उसको देखने का मतलब इंटरेस्ट खराब हो जाए। अब जब विलियम बुचर को पता चल गया उसकी वाइफ जिंदा है, तो वो एक तरीके से अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता है, होमलैंडर से बचाकर अपने पास लाना चाहता है, और साथ ही साथ वो वोट की जो एक कंपनी है, वोट जो कंपनी है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहता है कि वो एक कंपाउंड वी के जरिए लोगों को सुपर हीरो बना रही है, जो बच्चों को एक ड्रग दिया जा रहा है जिसके जरिए बच्चे जो है वो सुपर हीरो बनते हैं। अब एक वोट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, वोट एक कंपनी है जो सुपर हीरो बनाने का काम करती है, इनके पास एक ड्रग है कंपाउंड वी करके, एक ड्रग आता है। अब ये क्या चाहती है कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस कंपाउंड वी नाम के इस ड्रग को वो लीगलाइज करवाना चाहती है, ताकि लोग इसके ड्रग को खरीद सके, उनके पास पावर आ सके और ये कंपनी ढेर सारा पैसा बना सके। अब एक तरफ है ये लड़के जिसमें विलियम बूचर है, यूही है, एमएम है और फ्रेंकी है, और एक जो लड़की है जो मतलब सुपर विलन उसको कह सकते हो, जिसके पास पावर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, और इनके अपोजिट है ये वोट और इनके पूरी की पूरी जो ये सुपर हीरोज की मतलब कह सकते हो कि सेना इनके विरुद्ध खड़ी हुई है। सेना क्या है, 7 ही लोग हैं, 7 भी नहीं 6 ही है जो इनके विरुद्ध खड़े हुए हुए हैं। अब ये इनको कैसे हराएंगे, एक तरीके से यार देखो, एक आम इंसान जिसके पास कुछ भी पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिम्मत के बल के ऊपर उन लोगों को हराने के निकल पड़ते हैं जिनके पास यार मतलब सुपर पावर है यार, उनके पास हर चीज है, पैसा है, इवन उनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, लोगों का सपोर्ट भी, तो उनको कैसे हराएंगे ये देखने वाली चीज है। और इसके सेकंड सीजन में एक नए कैरेक्टर की उत्पत्ति होती है, कहते हैं कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, एक लड़की है। अब वो क्या करती है कि यहां पर एक तरीके से जातिवाद फैलाने की इसमें इसने कोशिश की है। अब मैं प्रॉपर तो मैं बताने से रहा, बिल्कुल डिटेल से तो मैं देने रहा, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि एक जातिवाद फैलाने का काम करती है। और आप ये सोच रहे हो कि यार इसके सेकंड सीजन का एंड तो बहुत हैप्पी हुआ होगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल भी हैप्पी नाम की कोई भी चीज नहीं है, मतलब इन्होंने दूर बिठा दिया यार, कोई हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है इसमें, जो एंडिंग होती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो सिचुएशन जो इसमें बनती है लास्ट में। इसमें लड़ाई दिखाई गई है कि कौन सही है और कौन गलत है, जो गलत है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, लोग उनका सपोर्ट करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर इन लोगों को समझाने जाओ, अंधविश्वास मतलब एक तरीके से अंधभक्त इनको कह सकते हो, एक तरीके से इनको समझाने जाओ तो ये लोग इन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अपने गलत भगवान को मतलब मैं क्या कहूँ यार, ये जो लोगों को अपने आप को जो पावर में इनको भगवान बना रखा है इन्होंने, और ये इन्हीं की बात सुनते हैं, इनके इनके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते। देखो यार, मैं बताने को तो स्टोरी भी बता सकता हूँ, बट वही बात आ जाती है ना यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को स्पॉइलर मिले जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो जाए और आप मुझे गालियां देने पे आ जाओ, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यार आप ये सब सीरीज देखने बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा और आप इसके एक तरीके से फैन बन जाओगे। और अगर आप इसके VFX की बात करूं यार, आप एक हॉलीवुड की एक अच्छी खासी मूवी की कंपेयर कर सकते हो, इसके VFX हैं, इतने कमाल के VFX हैं। और अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें यार, देखो परफॉर्मेंस की बात ना करूं तो आधी अधूरी ही बात रह जाएगी, इसमें जो परफॉर्मेंस है, जो ये लड़के हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, इन्होंने जो अपने अंदर जो एक डर का भाव उनके फेस पे, उनके सामने अगर एक सुपर हीरो आ जाता है उसके लड़ना तो यार नामुमकिन है यार, वो चाहे तो इनको ऐसे मुट्ठी में मतलब मुट्ठी बंद करके इनकी गर्दन तोड़ सकता है, ऐसी उनके पास पावर है। तो अब उनके सामने जो वो पावर आता है तो एक जो टेंशन उसके चेहरे पर आती है, वो एक्सप्रेशन उन्होंने अच्छे से देना, वो डर उनके मतलब उनके चेहरे पर आता है, वो उन्होंने प्रोवाइड करना काफी ज्यादा एक रियलिस्टिक चीज लगती है। आप जब इस सीरीज को देखोगे और उनकी टेंशन को ग्रैप करोगे तो पता चलेगा यार आप रियलिटी में वो इतने डरे हुए हैं, उनको इतनी टेंशन है,
मतलब रियली फील करोगे कि यार आपके सामने वो चीजें हो रही हैं। और अब एक अलर्ट मैं दे देता हूँ, देखो यार ये 18 प्लस सीरीज है, इसमें वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, मतलब खून खराबा बहुत ज्यादा है, इसके अंदर न्यूडिटी है, इसके अंदर गाली ग्लोज बहुत ज्यादा है, तो छोटे बच्चे इससे दूर रहें। और वैसा तो है नहीं कि यार इसका सेकंड सीजन एंड हो गया तो अब इसके बाद इसकी कोई सीजन आना नहीं। यार देखो इसके सेकंड सीजन की अंत ही ऐसा हुआ है कि इसका थर्ड सीजन तो बनना बनता ही है, तो अब इंतजार है इसके थर्ड सीजन का। अब देखने वाली बात है कि उसके अंदर स्टोरी क्या आती है और वो कमाल का होने वाली है। देखो यार दोनों के दोनों सीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, इस सीरीज के सेकंड सीजन को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। अगर किसी ने ये देख रखे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना इस सीरीज में सबसे ज्यादा आपको अच्छा क्या लगा, और जिन्होंने नहीं देख रखे तो यार वेट किस चीज का है। अगर आप लोगों को लगता है कि सुपर हीरो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो आपकी धारणा ये बिल्कुल बदलने वाली है। सुपर हीरो एक तरीके से नेगेटिव किरदार में दिखाए गए हैं, आम लोगों को इसके अंदर सुपर हीरो दिखाया गया जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, जो अच्छी है यार। जो एक तरीके से जो इसके अंदर सेक्युलरिज्म की जो बात की गई थी और जो लिबरल जो लोग इसमें दिखाए गए हैं, लास्ट में इन्होंने दिल खुश कर दिया जो चीज इन्होंने दिखाई है। जो फेक जो लोग होते हैं ना उनका एक तरीके से भांडा फोड़ने की इन्होंने कोशिश किया, तो काफी अच्छी। मैं जरूर रिकमेंडेड करूंगा यार जाकर देखो यार, वॉयलेंस है कोई ना यार, इससे काम चला लेना। ऑब्वियसली यार तुम बच्चे तो नहीं हो यार, वॉयलेंस देख ही सकते हो। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।